एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज मी स्वाति. कैसे हैं आप सब लोग? तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है. मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कि किस तरीके से हम अपने बेस मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं और किस तरीके से हम मेकअप करें ताकि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारे फेस पर स्टे करें. तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए. तो ये जो वीडियो है, ये है किस तरीके से आप अपना बेस मेकअप कर सकते हैं जो काफ़ी घंटों तक आपके फेस पर स्टे करेगा. So let's quickly jump into the video. But before that, please don't forget to subscribe my channel and don't forget to hit that bell icon. Hi everyone. तो जैसे कि मैंने अभी अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, तो मेकअप करने से पहले आपके लिए तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं. फर्स्ट इज मॉइस्चराइजर, सेकेंड इज प्राइमर एंड थर्ड इज फाउंडेशन. जो मॉइस्चराइजर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये है निविया की क्रीम. मेक श्योर अगर आप ये क्रीम लगा रहे हो या आप कोई और अदर मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, तो प्लीज आप उसको बहुत थोड़ा क्वांटिटी में लगाएं. इट्स टाइम टू प्राइम योर फेस. यहाँ पे जो मैं प्राइमर ले रही हूँ, ये वेट एंड वाइल्ड का मैट प्राइमर. प्राइमर का काम होता है कि आपके जो यहाँ पे पोर्स होते हैं या यहाँ पे जो भी आपका शाइनी एरिया होता है, ये उसको ब्लर कर देता है और आपके जो भी पोर्स होते हैं उनको ये फिल कर देता है. तो जब उसके बाद आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही फ्लॉलेस आपको बेस मिलता है, जो जब आप सेल्फी लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है. तो मैं ये प्राइमर यूज़ करने जा रही हूँ. और अब मैं वेट एंड वाइल्ड का ही फाउंडेशन यूज कर रही हूँ. शेड है मेरा क्लासिक बेज. अगर आप भी ऑयली स्किन टाइप हैं तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा. इजीली आपको नायका पर, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल होगा. और जैसे कि मेरा जो शेड है इसमें, वो है क्लासिक बेज और ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है. इसको अगर आप खोलेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके का एक स्टिक मिलेगा जिससे आप डायरेक्ट भी अपने फेस पर फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो. पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डायरेक्ट अपने फेस पर इसे फाउंडेशन अप्लाई ना करें. थोड़ा सा फाउंडेशन अपने हाथ के आप बैक साइड पर ले और उसके बाद किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, जो कि आपको इजिली आपके मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, इसके बैक साइड में थोड़ा सा फाउंडेशन लेकर आप अपनी स्किन पर डायरेक्ट उसको अप्लाई करें. गाइस, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो तो ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके अपनी स्किन पर फाउंडेशन अप्लाई करें. इस तरीके से उसको अपनी स्किन पर रब ना करें, बहुत ही गंदा लगता है और आपका जो बेस होगा वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगेगा. तो जब भी आप फाउंडेशन लें तो उसको डैब डैब करके अपने फेस पर अप्लाई करें. अब अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए मैं ये मेबलिन का कंसीलर यूज कर रही हूँ. और परफेक्ट बेस के लिए जो लास्ट स्टेप है वो है फेस कॉम्पैक्ट. जहाँ जहाँ हमने कंसीलर अप्लाई किया है या जहाँ पे भी हमने फाउंडेशन अप्लाई किया है, वहाँ हमें एक ब्रश की हेल्प से कॉम्पैक्ट को अप्लाई करना होता है, यानी इनको सेट करना होता है. इससे ये होगा कि ये जो है क्रीज नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा देर तक आपके फेस पर टिके रहेंगे. मैं लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, देन प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. और साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मेरी काफ़ी सारी मेकअप की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.